और आके हमारा मांग क्या है, हम क्यों यहाँ पे आज एक आंदोलन लड़ रहे हैं, कारण जानने के लिए आया है, इसलिए पूछने का करना चाहता हूँ। आज जेएनयू का जो में जो आंदोलन चल रहा है एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, बनना भी चाहिए, क्योंकि आज जेएनयू में लड़ाई जिस जिन कारणों से हो रही है, एक तरफ हम लड़ रहे हैं पब्लिक एजुकेशन का मॉडल क्या है, एजुकेशन का राइट को राइट की तरफ समझा जाए ना कि कमोडिटी की तरफ, और दूसरी तरफ हमारा जो मुद्दा है कि विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से आज जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक संस्थान है, उनको फिर खत्म किया जा रहा है, तो इसी को लेके काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा मिथ्स और गलत धारणाएं जो है वो फैलाई जा रही है, और थोड़ा उनके ऊपर भी बात हम करेंगे, पर उसके पहले जैसे ऋषि ने कहा, इसीलिए मैं कंटिन्यू करूँगा कि आज जो यहाँ पे सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन बनी नहीं है, इसे बनाया गया है, इसे बनाया गया है जेएनयू प्रशासन द्वारा, जो बार बार अपने प्रेस नोट में लिखता है कि छात्रों का आंदोलन जो है वो नॉर्मल एकेडमिक फंक्शनिंग को डिरेल कर रहा है। और बहुत ही दुख की बात है ये कि जब हम MHRD मिनिस्टर से मिले रमेश पोखरियाल, तो उनका भी यही रवैया था कि हमारे प्रोटेस्ट के कारण यहाँ का एकेडमिक फंक्शनिंग डिरेल हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि सरकार और प्रशासन का पहला प्रायोरिटी ये है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका पहला प्रायोरिटी ये नहीं है कि JNU में कम से कम 40% छात्रों को अपना शिक्षा छोड़ना पड़ेगा, उसका पहला प्रायोरिटी है कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे सरकार को और प्रशासन को प्रशासन का जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ रहा है। तो जब ये सब हो रहा है, जब कुछ कुछ जो चीज़ें अब तक जो हुई उसके बारे में एक बार जो अश्विन ने कहा, कुछ कुछ बातें मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। 3 अक्टूबर को जब ये ड्राफ्ट बिल हमारे सामने आता है, तो हम 9 अक्टूबर को डीन ऑफ स्टूडेंट्स को एक लेटर देते हैं, इस लेटर में रहता है कि आप उनसे बात कीजिए, IHE मीटिंग होने वाला है, IHE मीटिंग यानी कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग जो हॉस्टल से रिलेटेड सारे नियमों पे नियम बनाता है, तो उसमें जो JNU के नियम है अपने हॉस्टल के, JNU का हॉस्टल मैनेजर क्लॉज 1.5.1 कहता है कि उसमें JNU के छात्र संघ के प्रतिनिधि जाएंगे, हॉस्टल प्रेसिडेंट जाएंगे, और JNU का रवायत रहा है जो हमारी लोकतांत्रिक रवायतें रही है, जो ये कहती है कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो हॉस्टल लेवल पे हो, चाहे वो खंड के लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो, तब जाके उसे प्रशासन के मीटिंग में ले जाके उससे बात हो। हमने यही सब बातें उस लेटर में लिखी कि ये सब पहले कीजिए, चर्चा कीजिए, पर इतनी शर्म की बात है कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स कदम उस लेटर को रिसीव करने तक से मना कर देते हैं, और ये 9 तारीख की घटना है, 9 अक्टूबर, और बिना कोई कारण दिए लेटर रिसीव नहीं किया जाता है। जो सर्कुलर आता है ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल जिसके साथ आता है, वो कहता है कि 18 अक्टूबर को IHE मीटिंग होगी, इससे पहले छात्र अपने सजेशन, अपने कंसर्न ईमेल करें। इसी बात पे JNUSU ऑनलाइन ईमेल कैंपेन चलाता है, हमारे जो कंसर्न हैं उनको कम से कम 3,500-4,000 छात्र 18 तारीख से पहले स्टूडेंट को ईमेल भेजते हैं अपने पर्सनल ईमेल अकाउंट से। इसके बावजूद आज तक किसी भी ईमेल का ना रिप्लाई आया है, ना कोई कंसर्न नोट किया गया है डीन ऑफ स्टूडेंट द्वारा, ये है बात। और 18 तारीख को जब ये मीटिंग होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के आंदोलन के डर से इसे पोस्टपोन करके 28 तारीख को कराने का निर्णय डीन ऑफ स्टूडेंट लेते हैं। उसके बाद कई दफ़ा JNU छात्र संघ जाता है JNU वाइस चांसलर को लेटर देने के लिए, JNU रजिस्ट्रार को लेटर देता है, डीन ऑफ स्टूडेंट हमारा लेटर रिसीव नहीं कर रहा है, और इस लेटर को फॉरवर्ड किया जाता है डीन ऑफ स्टूडेंट के ऑफिस के लिए, पर ना वाइस चांसलर हमसे मिले हैं, ना रजिस्ट्रार की हमसे कोई मुलाकात हुई है, और ना ही हमारे किसी लेटर का रिप्लाई आया है। तो जो JNU प्रशासन सबसे पहला जो झूठ फैला रहा है बार बार कि हम लोग डायलॉग करने के तैयार नहीं है, हम लोग जब से ये ड्राफ्ट आया है तब यही डिमांड कर रहे हैं कि आप डायलॉग कीजिए हमारे साथ। डायलॉग नहीं करने का उस पर कोई कारण नहीं है, यही कारण है कि हमारे ओपिनियन को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जैसे पिछले साल JNU के जो छात्र संघ था उसको नोटिफाई नहीं करने का एक बहाना बनाया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने नकार दिया, इस साल भी वही किया जा रहा है। इस साल भले ही JST का एक बहाना था, इस साल वो बहाना भी नहीं बचा है, इस साल कोई कारण नहीं दिया जा रहा है कि क्यों हमें बुलाया नहीं जा रहा है मीटिंग को, और हम बार बार जो बात कह रहे हैं
कि जेएनयू छात्र संघ को रिकॉग्नाइज करना या नोटिफाई करना या कोई अधिकार, कोई सेक्रेटरी प्रोविजन या पावर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है। ना जेएनयू एससीओ का संविधान से कोई पावर देता है, ना ही लिंगो कमेटी रिकमेंडेशन देता है। तो ये अपने आप में एक इलीगैलिटी है। तो जब 28 तारीख को जो मीटिंग होता है, एक इलीगल तरीके से हमें नहीं बुलाया जाता है, बुलाया जाता है पर 10 मिनट पहले मेल आता है, वेन्यू शिफ्ट होता है, जब तक पहुँचते तब तक मीटिंग खत्म हो जाता है, उनका ओपिनियन सुना नहीं जाता है। उसके बाद से ही कई बार हम लोग डीन ऑफ स्टूडेंट के ऑफिस पे गए हैं। जब हम गए हैं तो हमारे सामने यहाँ पे कई सारे छात्र इस बात के विटनेस हैं कि जैसे ही हम लोग उस ऑफिस के पास पहुँचने वाले होते हैं, ऑफिस के सारे ऑफिशियल डीन्स हाथ खड़े होते हैं, गार्ड उस ऑफिस को वर्किंग आवर्स में लॉक लगा देते हैं। जब हम यहाँ आते हैं मिलने के लिए, तब ये होता है कि उसी तरीके से सारे ऑफिसर्स अपना कार वहाँ से निकाल के भाग जाते हैं, दरवाजे पे लॉक लगा दिया जाता है। ये बार बार हो रहा है। और इसमें जो इस आंदोलन का एक बहुत क्या कहा जाए, एक स्पेशलिटी है या उसमें एक बहुत खूबसूरत बात है कि जब ये सारे ऑफिसर्स अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एबडिकेट करके इस यूनिवर्सिटी से फरार हो चुके हैं, तब छात्रों ने हर एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हर एक प्रशासन के अधिकारी को अकाउंटेबल बनाने की प्रक्रिया शुरू की। हॉस्टल्स में जीबीएम करके वार्डन्स को अपनी डिमांड दी गई है, उसको कन्विंस किया गया है कि आप हमारी बात को मानिए, आप हमें बताइए कि क्यों ये किया जा रहा है। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, उसका कारण नहीं है, तो आप हमारे विचारों को समझिए और उसे आगे ले जाइए। प्रोवोस्ट के साथ हमने मीटिंग करके ये इंश्योर किया है। और पूरे इस दौरान हमें जो एक बहुत शॉकिंग चीज़ पता चली, जो 10 मिनट में मीटिंग एड ब्लॉक में हुआ था 28 तारीख को, जहाँ पे 18 वार्डन और 5 प्रोवोस्ट 10 मिनट में साइन करते हैं, उनमें से किसी ने भी ये हॉस्टल मैनुअल का एक पेज तक नहीं पढ़ा था। उनमें से किसी ने भी ये समझा नहीं कि फी हाइक का क्या इम्प्लीकेशन होगा इस कैंपस के नेचर पे। तो जब हमने उनको अवगत कराया कि क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो 5 में से 3 प्रोवोस्ट ने रिजेक्ट किया है इसे और 2 ने रिजाइन किया है, क्योंकि प्रशासनिक दबाव के कारण वो ओपनली इसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो एक सवाल जो जेएनयू प्रशासन से पूछना चाहिए कि आपने किस तरीके का दबाव प्रेशर कोअर्शन आपने इन प्रशासन के अधिकारियों पे बनाया है कि ये बिना पढ़े 10 मिनट में साइन करके आते हैं। ये रही पहली बात। अब आगे बढ़ते हुए जो हम बात करेंगे कि इस ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल में क्या क्या चीज़ें हैं। फी हाइक का मुद्दा पे तो काफ़ी सारी बातें रखी गई है, उसको और डिटेल में आपके सामने रखूँगा, पर उसके पहले जो हॉस्टल मैनुअल वो एक डॉक्यूमेंट है जो कोशिश कर रहा है कि इस कैंपस में एक जेल बनाए, एक जेल बना के स्टूडेंट्स से पैसा लेके उनको उस जेल में रखा जाए। उससे पहले जैसे कहा कि जेएनयूसी की रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया, उसके बाद शर्म की बात है कि नए हॉस्टल मैनुअल में जेएनयूसी की रिप्रेजेंटेटिव का नंबर घटा के 3 से 1 कर दिया गया है बिना हमारे सहमति। आगे बढ़ते हुए ये कहा जा रहा है कि 11:30 बजे अगर हॉस्टल में वापस नहीं आया जाएगा तो हॉस्टल में लॉक लगा दिया जाएगा, आपको आने नहीं दिया जाएगा, वार्डन से परमिशन लेना पड़ेगा। अब जेल प्रशासन में इसने इसके ऊपर एक सफाई देते हुए ये कहा है 1 नवंबर के प्रेस नोट में कि ये नियम पहले भी था। जब पहले भी था तो पहले भी हमें ऐतराज़ था और हमें IHC मीटिंग में जाके उसे हटवाना था। ये रही पहली बात। दूसरी बात कि पहले नियम था पर लागू नहीं होता था। अब 2 चीज़ें हो रही हैं। एक कि हमारे 24/7 रीडिंग रूम्स को बंद किया जा रहा है रात को 11 बजे, कुछ को 6 बजे बंद किया जा रहा है, और लाइब्रेरी को बंद करने का बात ऑलरेडी हो चुका है। लाइब्रेरी की वेबसाइट पे आप जाइए तो क्लोजिंग टाइम 12 बजे का डाल दिया गया है, अब तक इन्होंने करना शुरू नहीं किया है और इनके मनसूबे हमारे सामने साफ है। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो ड्रेस कोड को लेकर भी यही बात कहा जा रही है कि अप्रोप्रिएटली से प्रॉपरली हो चुका है, प्रॉपरली से अप्रोप्रिएटली ड्रेस में वर्ड चेंज हुआ है। तो हॉस्टल EBMs में और ये यहाँ पे जितने साथी है आपको इस बात को बताएंगे कि अलग अलग हॉस्टल के वार्डनों ने ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ पास की है, चाहे वो लोहित के वार्डन मलखान सिंह नाम लेके बताऊंगा, जिन्होंने EBM में ये बात कहा कि महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं उससे बाकी छात्र अनकम्फर्टेबल होंगे, इसलिए हमको ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे शर्मनाक और पेट्रियार्कल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, इसलिए छात्रों को ये प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। और हमें एक पूरा हमारी समझदारी बन चुकी है कि नियम अगर कागज पे प्रिंट होकर आता है तो ये नियम लागू होगा। तो एक को रही ये बात। आगे ये कहा जा रहा है कि फाइन जो है उनको बढ़ा दिया गया है कि अगर आपके रूम में
कूलर होगा जो आपको पता है दिल्ली में गर्मी कितना होता है, ठंड कितना होता है ये भी आपको पता है। अगर हीटर या कूलर पाया जाए तो आपको 10,000 रुपये का फाइन होगा, अगर नहीं भरेंगे या दूसरी बार हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर रात को 10:30 बजे के बाद मेन हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल में अगर कोई गर्ल्स है तो उसके लिए 7 से 10 हज़ार रुपये का फाइन लगेगा और नेक्स्ट टाइम से निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की सोच को जेएनयूएसयू कंडेम करता है और हमारा संघर्ष इसके खिलाफ हमेशा से रहा है और रहेगा। और साथ साथ इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो ये पूरा एक ताना बाना रचा गया है जहाँ पे सोशल जस्टिस के ऊपर एक हमला हॉस्टल मैनेजमेंट से किया गया है, जो अभी हमारा हॉस्टल करंट है, अभी तो है या नहीं ये पता नहीं क्योंकि इसी मीटिंग में क्या हुआ कोई डिसीजन हमारे अब तक दिया नहीं गया, पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी भी वही हॉस्टल मैनुअल लागू हो रहा है। तो उसमें सेक्शन 2.2.5 से लेके एनेक्शर 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 इसमें डिटेल्ड पॉलिसीज हैं कि जस्टिस को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कैसे हर 5वां सीट OBC स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखेंगे, कैसे SC स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलेगा हॉस्टल अलॉटमेंट में, किस तरीके से PHR BH स्टूडेंट के लिए सीट रिजर्व किया जाएगा, इन सारे चीज़ों को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। और जब ये हुआ है तो इसके बजाय हमें कुछ उसके जगह पे नहीं मिलता है। तो ये हमारा एक बहुत ही ग्रेव कंसर्न है कि सोशल जस्टिस के पॉलिसीज को आप कैसे बिना पूछे हटा सकते हैं, ये तो एक इनइटसेल्फ इलीगल एक्ट है। और साथ ही साथ जो अलग अलग बातें की जा रही हैं कि आप अगर प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो मिनिमम आपको पनिशमेंट लगेगा 50,000 रुपये का फाइन, उसके आगे अगर और प्रोटेस्ट कौन सा ये बताया नहीं गया है, कोई भी प्रोटेस्ट, एनी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हैज बीन स्पेसिफाइड, एनी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट 50,000 रुपये का फाइन, हॉस्टल से एविक्शन, डिग्री का विड्रॉवल या यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिक्शन, ये ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल कहता है कि पनिशमेंट होगा कि छात्र अपने डेमोक्रेटिक ओपिनियन को रखेंगे तो ये पनिशमेंट को मिलेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं। और जो मेन मुद्दा है वो है फी हाइक को सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं कि एक जो अफवाह फैलाई जा रही है कि जेएनयू में पिछले कुछ लोग कह रहे 10 साल पहले 15 साल पहले 25 साल पहले ये सब 2 साल पहले फ़ी बढ़ा है, सिक्योरिटी चार्ज को 2,000 रुपये बढ़ाया गया था, जो आइटम से अलग अलग उसका चार्ज बढ़ाया गया था जिससे हमारा मेन बिल 2 साल पहले ही बढ़ चुका है, और यही बात बोल के बढ़ाया गया कि यूजीसी से पैसा नहीं आ रहा है। अगर यूजीसी से पैसा नहीं आ रहा है तो यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छात्रों को बताए कि पैसा पहली बात तो क्यों नहीं आ रहा है, कौन से पॉलिसी के तहत नहीं आ रहा है, और दूसरी बात अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप अपने पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। आप बगल में देखिए एक मूर्ति को बनाया गया है, ये हमारे लाइब्रेरी का फंड काट के ये मूर्ति बना है, आप देखिए किस तरीके से ढोंगी बाबाओं को बुलाया जाता है कैंपस में फर्स्ट क्लास एयरप्लेन का टिकट देके, किस तरीके से पूरे यूनिवर्सिटी के रिंग रोड पे एक फैंसी लाइट लगा दिया गया है, हर लाइट जो है बोला जा रहा है 5,000-5,000 रुपये का है, और ऐसे पता नहीं कितने 200-300 लाइट ये लोग लगा दिए हैं, किस तरीके से प्रशासन भवन के आसपास जो ये कैमरे लगाए हैं, एक एक कैमरा 1.5-1.5 लाख का है, ये कैमरे लगाने के लिए यहाँ पे 50-60 कैमरे हैं कम से कम, उसके लिए पैसा है, पर हमारे लिए हमारे लाइब्रेरी के फंड के लिए हमारे हॉस्टल के फंड के लिए पैसा नहीं। तो सबसे पहला जो तो ये है, आगे बढ़ते हुए एक जो मिथ है जो बार बार ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है इधर उधर आ रहा है कि हॉस्टल का रेंट जो है वो 10 रुपये से 300 रुपया हुआ है, तो ये मैं सबसे पहले इसको बताना चाहूँगा कि सिर्फ हॉस्टल का रेंट नहीं बढ़ा है, तो सिर्फ एक अमाउंट है जो बढ़ा है, इसके साथ साथ 1700 रुपये का एस्टेब्लिशमेंट चार्ज बढ़ा है, इसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर और वाईफाई का बिल जोड़ा जाएगा, और जो हमारे मेस में कर्मचारी हैं उनका जो वेजेस है वो हमारे मेस बिल से लिंक किया जाएगा, और ये सब चीज़ जब हो रहा है तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से नियरली 1000% एनुअल फी हाइक हो रहा है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें गौर फरमाना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि जब जेएनयू का अपना एनुअल रिपोर्ट कहता है, आप डेटा को देखिए 2012 से एनुअल रिपोर्ट का डेटा हमारे पास है जो कहता है कि हर साल 40% से ज़्यादा छात्र ऐसे इस कैंपस में आते हैं जिनका एनुअल पैरेंटल इनकम 1,40,000 से कम है, ये नंबर जो है 47% से लेके तो 40% तक वेरी करता है हर साल, पर मान लीजिए 47 से 40% के बीच में छात्र हर साल आते हैं इस कैंपस में जिनका एनुअल पैरेंटल इनकम 1,44,000 से कम है,
तो जब मेस बिल 7 से 8 हज़ार रुपया होगा तो वो छात्र जिसका पारिवारिक आय 6 हज़ार से 12 हज़ार रुपया है वो अफकोर्स एजुकेशन नहीं ले पाएगा, वो अफकोर्स यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा। और जो बात कही जा रही है बार बार कि किस और यूनिवर्सिटी में ऐसा फीस स्ट्रक्चर है, तो जनाब ये बता देते हैं कि एम्स में हमसे कम फीस लिया जाता है। जामिया का फीस स्ट्रक्चर और JNU का फीस स्ट्रक्चर करीब करीब एक समान है। IIT का हमसे ज़्यादा है हम जानते हैं, पर IIT में भी छात्र आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर भी जिस तरीके से फीस बढ़ाया जा रहा है। और IIT और IIM कुख्यात है, इनफेमस है कि हर साल वहाँ पे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें आत्महत्या करने मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनके वो किसी किसान के घर से आता है, कोई मजदूर के घर से आता है, वो फी नहीं पे कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, IIT का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी उनको पढ़ाई से वंचित किया जाता है। ये JNU में ना हो इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। और जब ये सब चल रहा है तब हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि जो 10 से 300 वाला जो ये फर्जीवाड़ा है, ये 10 से 300 नहीं होने जा रहा है। मेन बिल हमारा महीने का 2500 से 2800 आता है, वो बढ़ के 6 से 7 हज़ार रुपया होने जा रहा है। और ये तो हम लोग वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का चार्ज ऐड नहीं कर रहे इसमें, तो हमको पता ही नहीं कितना है, उसके बिना ही इतना बन रहा है। तो सालाना एक रेट पे 60 हज़ार रुपये के आसपास ये मेस बिल होगा पूरा हॉस्टल का मिला के। तो इन दैट सिचुएशन दिस इज़ नॉट एनी फरमान, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डर, दिस इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ मूव टू एक्सक्लूड स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। Basically telling students that education is a commodity if you can pay, and that is what the acting dean of students Vandana Mishra told us when we had a discussion with her, that the university cannot, this is good for the university, and if you cannot pay you will have to leave this university and the university is fine with it. This is the attitude of the university administration. और ये सब बातें हो रही हैं तो कुछ और चीज़ों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक और जो बयान बार बार आ रहा है कि यहाँ पे जो है छात्र पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, वो लोग अगर अपना काम करके अपना फीस नहीं भर पा रहे हैं तो वो लोग मतलब बेसिकली इनकम्पिटेंट हैं। तो ये बात बता देना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में 3500 छात्र करीबन BA में है और 4000 छात्र MA, PhD और MPhil में है। BA और MA में 3500 छात्र हैं। अब जो 3500 छात्र BA और MA में है उनको MCM का फेलोशिप मिलता है, इसे 2000 रुपया महीना मिलता है। जो PhD और MPhil में है उनको 5000 रुपया महीना मिलता है नॉन नेट, और जिनको जो PhD के लास्ट 2 साल में है उनको 8000 रुपये मिलता है। दोनों आप सोचिए कि एक महीने का मेस बिल देने के लिए इनसफिशिएंट है। और पिछले लास्ट ईयर इस JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रूल लाया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप कहीं भी बाहर काम नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, अगर आप लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा। तो इसीलिए छात्र यहाँ पर कोई बाहर काम भी नहीं कर पाएगा। तो अगर फी भर सकता है घर से पैसे लेके अरे या फिर वापस अपने घर जाए, ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया एकदम साफ हमारे सामने है। और जब बात रही ये सारे हमारे मुद्दे हैं, और इसके अलावा जो छात्रों का गुस्सा है वो गुस्सा इसीलिए है क्योंकि पिछले 3 साल से इस तरीके का एक रवैया प्रशासन की तरफ से रहा है कि एक तरफ प्रशासन बार बार अपना बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, यूनिवर्सिटी से फरार हो जा रहा है। आज जो हुआ वही IIT मीटिंग में भी हुआ कि एक मीटिंग को नाम के वास्ते एक मीटिंग बुलाया जाता है, उसमें मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलाया जाता, जो उसके स्टैट्यूटरी मेंबर है उनको नहीं बुलाया जाता है, वेन्यू चेंज किया जाता है, 10 मिनट पहले मैसेज किया जाता है। आज तो हद सारा ही पार कर दिया गया है। आज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो EC के मेंबर्स हैं टीचर्स के, जो JNUTA के है, उनको बोला गया कि आप एक कार में बैठिए, आपको अनडिस्क्लोज लोकेशन ले जाया जाएगा जहाँ पे मीटिंग हो रहा है। उन्होंने जब मना किया तो कार निकल गया और मीटिंग के 10 मिनट पहले उनको मेल आया। सुबह से इस कैंपस में सिविल यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी घूम रहे हैं, कैंपस के बाहर ये मीटिंग हो रहा है, उनको बाद में पता चला ITO में हो रहा है 18 किलोमीटर दूर। इसके बावजूद छात्र वहाँ पहुँच के प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, इस डर से कैंपस के तीनों गेट के ऊपर पुलिस लगा के बैरिकेड लगा के उनको ब्लॉक कर दिया गया। कैंपस को ये प्रशासन और ये पुलिस और ये सरकार मिलकर जेल बना रहा है।
तब ऐसे में जब ये हो रहा है तो ये आज नहीं हो रहा है, ये बार बार होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मीटिंग में होता है, एकेडमिक काउंसिल में होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होता है, हर IHA की मीटिंग में होता है, हर मीटिंग में यही सेम स्टोरी रिपीट करते जाता है कि टीचर और छात्रों का एक डिमांड है जिसको ध्यान में नहीं रखते हुए वाइस चांसलर अपने से पास पास चिल्लाते हुए अपने एजेंडा को पास कर देते हैं, अपने जो जी हजूरी करने वाले उनके चेले हैं उनके थ्रू सारे एजेंडे को पास कर दिया जाता है। और इसीलिए जो ये झूठ है जो प्रशासन बार बार फैला रहा है कि छात्र डायलॉग नहीं करना चाहता, तो हम बता देना चाहते हैं अपने माध्यम से देश की जनता को कि जिनके टैक्स पे से यूनिवर्सिटी चल रहा है उसमें ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में एक प्रशासन पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ चुका है, पैसा हर गलत जगह पर खर्च कर रहा है, और जो छात्र है जो गरीब तबके से आते हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, जो वंचित तबकों से आते हैं, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने के लिए फरमान फरमान जारी कर रहा है, और ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में दो चीज़ प्रशासन और बाहर जो लोग हमको ट्रोल कर रहा है, जो कंटिन्यूसली ट्विटर पे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो अभी चालू किया कर दिया है कि शटडाउन JNU। और शटडाउन JNU क्यों बोल रहा है कि वो कह रहा है कि JNU में छात्र जो है अराजक तत्व है, लार्ज क्राउड है, ये कह रहा है कि छात्र डायलॉग नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आज हम आज आए इसीलिए कि हम लोग जो पिंक पैलेस है, जो प्रशासन भवन है, उसमें हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं दो कारणों से। एक, वाइस चांसलर और प्रशासन के उच्च अधिकारी हमसे आके बात करें, मसले को सुलझाए, ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को वापस लें, और IHA मीटिंग को जो 28 अक्टूबर को हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। और दूसरी बात, क्योंकि ये लोग हमको हॉस्टल से निकाल रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 27 हॉस्टल यहाँ पे जो हॉस्टल है उसमें फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर आप तुरंत मैं इसका बिल नहीं भरते हैं, पूरा का पूरा जितना भी आपका हो, हम अगर फेलोशिप आए नहीं आए हमको कोई परवाह नहीं, आपके परिवार, हाँ 14 तारीख तक, यानी कि अभी 2 दिन में अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका मेस बंद कर दिया, आपका खाना बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके का फरमान आना शुरू हो गया है। तो जब हमारा खाना बंद कर दिया जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि हॉस्टल निकाला जाएगा, तो हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे आके अपना डेरा डाल लिए हैं, हम शांतिपूर्वक यहीं बैठे रहेंगे कि वाइस चांसलर आके हमसे मिले, हमसे बातचीत शुरू करें। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले दिनों पे हमने अपने ही यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन पे जो मोर्चा निकाला था अपने वाइस चांसलर को मिलने के लिए, देखिए कितना शर्म का बात है, एक महीने से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वाइस चांसलर नहीं मिलता है, दिन में 6 घंटा हम लोग धरना वहाँ पर बैठाए, हम लोग पुलिस का डंडा खाए, लोगों को स्टिचेस आए हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी के सर में स्टिचेस लगे हैं, एक लड़का बेहोश हो गया, ये सब करने के बावजूद वाइस चांसलर नहीं मिलता है, पर MHRD मिनिस्टर मिल लेता है। पर इसमें भी ये बता देना चाहता हूँ कि MHRD मिनिस्टर जो मिल के भी हमारा ये मसौदे को रिसीव कर लेता है, उसके ऊपर साइन दे देता है ये वाला जो है, इसके बावजूद कोई रिटर्न अश्योरेंस हमको नहीं दिया गया है, हम लोग का बस बात सुना गया है, वो भी यही बात कह रहे थे कि 10 रुपये से 300 रुपये हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी हमें कोई रिटर्न अश्योरेंस नहीं दिए, बस कहे कि आपका मीटिंग फिक्स कराएंगे MHRD मिनिस्ट्री में, आपका मीटिंग फिक्स कराएंगे वाइस चांसलर से, पर ये सारे जो अश्योरेंसेस हैं इनका ऊपर कोई भी अभी तक के कदम नहीं उठाए गए हैं, ये सब सिर्फ हवा में बातें करने वाली बात अब तक की हुई है। तो ये अपील रहेगा MHRD मिनिस्ट्री से कि आप अर्जेंटली इस हफ्ते के अंत तक और हो सके तो कल ही यूनियन का मीटिंग, JNUSU और हॉस्टल मैनेजमेंट का मीटिंग आप करवाइए, आप हमसे मिलिए, आप अपने मिनिस्ट्री में हमको बुलवाइए, आप JNU प्रशासन से हमारा मीटिंग करवाइए, और ये अपील MHRD मिनिस्ट्री को भी है, ये भी अपील JNU VC को भी है कि वो आके JNU में मिले और हमसे मीटिंग करे, हमारा बात सुने, तब तक कि हम चाहे जो भी जो एजेंडा है लार्जर जो हमको डिफेम करना चाहता है, उसके बावजूद हम यहाँ पे पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज ही पीसफुली और लीगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ पे हम लोग अराजकता नहीं फैला रहे, कोई तोड़फोड़ और वायलेंस अब तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। और साथ ही साथ आखिरी में ख़त्म करते हुए एक पॉइंट आपके थ्रू बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इंजस्टिस ऑलरेडी हो रहा है, वो इंजस्टिस है इंजीनियरिंग और MBA के छात्रों के साथ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो ह्यूमैनिटीज़ में और साइंस में पढ़ता है, जो अपने सेमेस्टर का फी 283 रुपये ही देता है, जो अपने मेस का फी 2500 रुपये प्रति महीना देता है, और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग और MBA का स्टूडेंट
जिनका डिसीजन किसी एसी और ईसी मीटिंग में नहीं लिया गया था, जिनका डिसीजन कोई एक क्लैंडेस्टाइन और इलीगल मीटिंग में ही लिया गया था, उन लोगों को ये कहा जाता है कि आप लोग 60,000 रुपये भरिए, एमबीए के स्टूडेंट को कहा जा रहा है आप एक सेमेस्टर का 3,00,000 रुपया भरिए, हॉस्टल के लिए आप हज़ारों रुपया भरिए और तब आप यहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे। ये हमें एकदम मंजूर नहीं है। उन लोगों को ना लैब मिला है, ना फैकल्टी मिला है, ना क्लासरूम मिला है, जबकि उनसे बेहतर लैब साइंस स्टूडेंट्स के पास है, उनसे बेहतर क्लासरूम हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के पास है, इसके बावजूद हमारा फीस उससे कम है, तब उनका फी ज़्यादा क्यों है? उनका फी भी हमारे साथ कम होगा, सबका फी समान होगा और सबका फी जो अभी है वही रहेगा। ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल को वापस लेना पड़ेगा और आईएचए मीटिंग को इलीगल और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना होगा और वाइस चांसलर को आके मिलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद।